क्या तुम आ नहीं रहे? मम्मा ने कहा है अजनबियों की गाड़ी में मत सवार होना। ये स्कूल की बस है। अगर तुम मेरा बेटा हो, कैसा होगा फिल्म में पंकज त्रिपाठी का किरदार? कितने मिनट का होगा फिल्म में इनका सीक्वेंस? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं श्रीशा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। हेलो दोस्तों, आपको बता दें अद्वैत चंदन के डायरेक्शन में बनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा जल्द ही थिएटर्स तक पहुँचने वाली है। लेकिन उससे पहले आमिर खान इस फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए यूएसए के लिए उड़ान भरने वाले हैं, जहां वो स्पेशली टॉम हैंक्स को अपनी फिल्म दिखाएंगे और अपनी फिल्म का रिव्यू लेने वाले हैं। वैसे आपको बता दें फिल्म में आमिर खान के अलावा और भी कई बड़े स्टार्स के कैमियो रोल दिखने वाले हैं, जहां इस कैमियो स्टार्स की लिस्ट में सलमान खान, शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और काजोल का नाम शामिल था। वहीं अब इस लिस्ट में एक और स्टार का नाम जुड़ चुका है, जिनका नाम है पंकज त्रिपाठी। आपने सही सुना, मिर्जापुर फेम एक्टर पंकज त्रिपाठी ने अपने एक्टिंग करियर में कई ऐसे कैरेक्टर प्ले किए हैं जिनके लिए आज भी लोग उनकी तारीफ करते हैं। इन्होंने इस फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग के दम पर अपना खुद का नाम बनाया है। आपको बता दें फिल्म लाल सिंह चड्ढा में पंकज त्रिपाठी कैप्टन का रोल निभा सकते हैं। और बताया तो ये भी जा रहा है कि जब फिल्म में लाल सिंह चड्ढा बने आमिर खान की आर्मी लाइफ दिखाई जाएगी, तब ही इनकी फिल्म में एंट्री होगी। वहीं जिस बटालियन में आमिर खान होंगे, उस यूनिट के हेड कैप्टन के रोल में पंकज त्रिपाठी को देखा जाएगा। अब क्योंकि पंकज का फिल्म में कैमियो रोल है, तो उनका सीक्वेंस फिल्म में बहुत छोटा होगा, जिस वजह से आप इन्हें फिल्म में सिर्फ 15 मिनट के रोल में देख पाएंगे। नागर चैतन्य की तरह पंकज त्रिपाठी भी इस फिल्म की रिलीज के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि उनका मानना है कि उनके फैंस उनके इस किरदार को जरूर पसंद करने वाले हैं। और दोस्तों, कुछ वक्त पहले ही आमिर खान प्रोडक्शंस और वाइकॉन 18 ने एक पोस्टर के साथ 14 अप्रैल 2022 की बैसाखी के मौके पर लाल सिंह चड्ढा की रिलीज तारीख को अनाउंस कर दिया है। इस पोस्टर में आमिर खान और करीना कपूर की केमिस्ट्री को दिखाया गया है। वैसे काफी समय बाद आमिर खान और करीना कपूर की जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखा जाएगा। आखिरी बार दोनों को तलाश और थ्री इडियट्स में साथ में देखा गया था, जिसमें उनकी केमिस्ट्री को फैंस ने खूब पसंद किया था। और अब ये तो आगे देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म के सभी कैमियो रोल ऑडियंस को कितने पसंद आते हैं। तो अब आप लोग बताएं कि आप लोग पंकज त्रिपाठी की तरह इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें और सेफ रहें, और जाते जाते वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।